हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। तो एक नया दिन के साथ मेरा भी व्लॉग शुरू हो चुका है, तो आप देखते रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा। सो टुडे आई विल शोइंग यू टू सेकंड शॉपिंग, आई मीन पूजा शॉपिंग फॉर अनुषा। तो आपको मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है आज, तो उसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी सुबह उठ के, आज का मौसम जो है बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, तो शायद शॉपिंग जाने के पहले ही बारिश शुरू हो जाए। लेकिन आज तो मुझे पक्का है कि मुझे निकलना ही है, बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका है। इसके बाद अगर मैं इससे लेट करूँगी तो भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज़ दुर्गा पूजा के टाइम पे कोलकाता में शॉपिंग करने के लिए अगर जाओ कहीं पर भी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। मुझे तो उससे पहले जाना चाहिए था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूजा कलेक्शन पर्टिकुलर जैसे बोले वो कलेक्शन अगर आ जाए तो उसी टाइम पे जाना ठीक रहता है। तो फ़िलहाल अभी अनुषा नहा रही है, अभी नहाने के बाद वो अपने दादा और दादी के साथ अपनी बुआ के घर पे जाएंगी और मैं जाऊंगी शॉपिंग के लिए। और आपको मैं मौसम के हालत दिखा रही हूँ, आप देखते रहिए। सो मेरा शॉपिंग तो चलता ही रहेगा, आप भी बताना मुझे मत भूलिएगा कैसा आपका शॉपिंग चल रहा है, आपने क्या क्या ख़रीदा है। तो फ़िलहाल तो अभी अनुषा के लिए ही ख़रीदने के लिए जाएंगे। मेरा जो भी है मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया है, और जिनको भी मुझे गिफ्ट में देना है, साड़ी हो या कोई भी कपड़े हो, ड्रेस हो और टी शर्ट शर्ट, जो भी जिनके लिए भी गिफ्ट में मुझे देना है मैंने ऑनलाइन से परचेस किया है। बिकॉज़ अनुषा का जो होता है, कभी कभार ऑनलाइन से अगर ऑर्डर करो तो साइज़ में ठीक ठाक नहीं आता है, तो नॉर्मली अगर देख के लो वही मुझे ठीक लगता है, और नॉर्मली अगर हमारे लिए लेते हैं तो साइज़ हमें पता है, एग्जैक्ट साइज़ में मिल जाता है। तो नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ अनुषा के लिए वहाँ पे शॉप में जाके परचेस करूँ। और मेरे बालकनी में काफ़ी सारे आज फ्लावर खिले हैं, आप देख सकते हैं। बट आज का जो मौसम है, ये मौसम में तो घर पे रहने ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाहर का जो मौसम है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम है और बारिश हो और घर पे रहूँ, वही अच्छा लगता है। लेकिन पूजा सामने है और जल्दी जल्दी शॉपिंग कंप्लीट करना है, उसके बाद कभी कभार बच जाता है पार्लर के लिए, उसके बाद जूता भी ख़रीदना होता है, तो ये सब, और घर के लिए भी बहुत कुछ ख़रीदना है। तो हमारे जो भी शॉपिंग है वो हम लोग कोशिश करते हैं पहले ख़रीद ले, उसके बाद घर का जो भी है वो भी ख़रीदना पड़ता है, पूजा का सामान, भगवान जी का कपड़ा, ये सब भी मुझे ख़रीदना जाना पड़ता है। तो फ़िलहाल अभी अनुषा जा रही है अपनी दादा और दादू और दादी के साथ, आप देख सकते हैं। और मैं अभी दरवाज़ा बंद करके, उसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ, अनुषा के पापा रेडी हो रहे हैं, फिर हम दोनों निकल जाएंगे अलग अलग। सो अलग अलग आई मीन टू से अनुषा चली गई है और हम लोग अलग जाएंगे। तो बाहर ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुकी है, और थोड़ी बहुत, अभी इतनी भी तेज़ नहीं हुई है, लेकिन देखते हैं कब तक पहुँचते हैं वो लोग और हम भी। और हम लोग जब निकल रहे थे घर पर, और बाहर जाते ही आप मौसम के हालत देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 15 मिनट हो चुका है यहाँ पे खड़े हुए और बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। हमने एक दो बार किया जब भी बारिश रुक रही थी तभी भी हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे थे। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँचने के बाद जितना भी मेरे से हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बिकॉज बारिश में ऑलरेडी पूरा भीग चुके थे, और वहाँ पे खड़े होकर हमने चाय भी पिया। और शॉपिंग के लिए जो भी मैंने ख़रीदा है वो आपको मैं घर पे जाके दिखाऊंगी। बिलिंग करके अभी थोड़ा बहुत घर के लिए बाज़ार लेने आए हैं अनुषा के पापा, आप देख सकते हैं छतरी लेके वहाँ पे घर के लिए कुछ सब्ज़ी खरीद रही हैं। उसके बाद हम लोग घर पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या लिया है। एक्चुअली मुझे लगता था कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैंने वहाँ पे क्या क्या परचेस किया है, लेकिन हमने पूरा जो भी मेरा कपड़ा है वो पूरा भीग चुका था। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर समझ नहीं आएगा, तो आपको मैं घर पे जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 ड्रेस परचेस किया, ये जो जीन्स है और एक स्कर्ट के टॉप है, ये अनुषा के चाचा ने दिया है, और मिडिल में जो डंगरी है ये अनुषा के बुआ ने दिया है। तो उन्होंने मुझे पैसा दे के कहा तुम्हें साइज़ पता है इसलिए तुम ही जाओ लेने के लिए, तो मैं ये सब लाई हूँ, आप भी मुझे बताइएगा कैसा लगा है आपको।
तो घर पे आने के बाद आज वेज है इसलिए मैं नॉर्मल खाना खा रही हूँ। और घर पे आने के बाद अनुषा को मैंने सुला भी दिया है। अनुषा आ चुकी थी बहुत पहले, तो सुलाने के बाद देख सकते हैं बारिश की वजह से जो भी कपड़े हैं मैं अपने जो खिड़की है वहाँ पे सुखाने के लिए दे दिया है। और ये एक ड्रेस है जो अनुषा की जो दादी है उन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा सूट है। और नीचे का जो प्लाजो पैंट है इसके साथ है, थोड़ा सा बड़ा है शायद, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा है। तो अभी मैं और अनुषा के पापा बाहर निकल गए हैं, बिकॉज़ दोपहर के जो कपड़े मैं लेके आई थी एक जो है अनुषा को साइज़ में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये टाइट हो जाएगा अगर कुछ दिन पहने तो उसके लिए मैं उसे ऑल्टर करने के लिए साइज़ बड़े लेने के लिए जा रही हूँ। तो घर पे आके आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। अगर मुझे अच्छा लगेगा उसको चेंज करने के बाद भी मैं दूसरा कपड़े अगर पसंद आया तो मैं ज़रूर ले लूँगी और आपके घर पे आके दिखाऊंगी। तो आप देखते रहिए और हमारे साथ रहिएगा। और अनुषा का जो ये सूट था मैंने आपको दिखाया, ये अनुषा के दादी ने दिया है पूजा में, तो आप मुझे बताना मत भूलिएगा कैसा लगा है आपको ये सूट। सो वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे से जितना भी हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। तो अगर आप 2 या 3 मिनट कैमरा यूज़ करते हैं उसे उनको लगता है शायद हम लोग फ़ोटो क्लिक करेंगे और परचेस नहीं करेंगे, इसलिए कैमरा अलाउड नहीं करते हैं। तो जितना भी मेरे से हो सका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और जो भी मुझे पसंद आया है वो आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। अनुषा के पापा ने बहुत सारा चूज़ किया था लेकिन जो भी साइज़ उन्होंने लिया था वो छोटा पड़ जाता, और मुझे जो जो पसंद आया है और जो उनको भी पसंद आया है लास्ट तक मैंने वो लिया है। और साइज़ मैंने जो भी है उसका चेंज करके बड़ा साइज़ ले लिया है, और एक ड्रेस लिया था मैं घर पर आपको जाके दिखाऊँगी। नॉर्मली मैं अनुषा के लिए यही पर्टिकुलर शॉप से शॉपिंग करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे हज़ारों कलेक्शन है और बहुत प्यारा प्यारा बहुत सुंदर कलेक्शन है। न्यू बॉर्न से अभी तक मैंने यहाँ से ही परचेस किया है, और मैं फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या लिया है। और जो भी मैंने ये जो डंगरी है ये बड़े साइज़ में ले लिया है, और जो पहले का था वो छोटा साइज़ था, सेम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अंदर का जो टी शर्ट है ये पूरा पर्टिकुलर सेम है। और मैंने ये ड्रेस लिया है, और एक ये बहुत प्यारा सा एक ड्रेस था और मुझे बहुत पसंद आया, अनुषा के पापा को भी। तो मैं नॉर्मली यहीं से लेती हूँ और एकदम घर के पास में ही है, बहुत प्यारा और बहुत अच्छे कलेक्शन है। और बस आज के मेरा ये शॉपिंग आज इतना ही था, और कल आपको नया शॉपिंग करते हुए नया कुछ परचेस करते हुए दिखाऊंगी, बिकॉज़ पूजा सामने है तो शॉपिंग का वीडियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको मैं लास्ट तक ज़रूर दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। अनुषा की जो मौसी है वो भी दिल्ली से कुछ ना कुछ भेजेगी, तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, तो आप मुझे बताना मत भूलिएगा कैसा लगा है आज का ये व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस अनुषा। Bye bye, see you on my next video.